किडनी पे, हार्ट पे, फेफड़ों पे क्या असर पड़ रहा है वो जान ले रहा है, रिजल्ट रिजल्ट की ओर बढ़ रहा है। सुनामी आई है उसका परिणाम क्या होगा, लोग डूब जाएंगे, घर तहस नहस होंगे। रिस्पॉन्स आपने करना क्या है उस समय, लोग कैसे निकालना है, यानी रोल ऑफ पुलिस डिजास्टर में पुलिस का रोल क्या है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, उस वक्त जो कानून है, कानून वो सामान्य ढंग से काम नहीं करता। डिजास्टर में आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, अफरा तफरी मची हुई है, लोगों को मार रहे हैं, भाग रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए डिजास्टर में। जी सर, प्रमुख काम है हमारा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण काम है। जी सर, डिजास्टर में कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे सर? डिजास्टर आया हुआ है, आपदा आई हुई है और आपका रोल है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है, डिफाइन रोल आपका पहले ही रोल है, तो डिजास्टर में कैसे करेंगे सर उसको? आप पब्लिक को साइड नहीं जाने देंगे, पब्लिक को उस जगह पे नहीं जाने देंगे, पब्लिक को वहां नहीं जाने देंगे, पहला प्रिकॉशन है। जैसे अगर लॉकडाउन में किया, पब्लिक को अपने बाहर निकलने हाँ उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी, समझाना पड़ेगा, गुड वेरी गुड। और सर बताइए, और बताइए जल्दी जल्दी बताइए सर। सर यातायात कंट्रोल करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, ओके बहुत बढ़िया। और भीड़ को इकट्ठा करने आ जाएंगे, क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। पब्लिक को जागरूक करेंगे, स्पीकर से ही आती है, हाँ अवेयर करेंगे पब्लिक को, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और कमाल कर दिया आपने, कोई बचा नहीं इसमें डिजास्टर में, रुड़ी लगी आपके अगली बार पक्की सब की। इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं कैसे दी जाएं, अफवाहों से लोगों को कैसे बचाया जाए डिजास्टर में, ये महत्वपूर्ण काम है हमारा। डिजास्टर के समय एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, यहाँ कभी भी कोई मूर्ति दूध पी सकती है, पीती है, पता नहीं मुझे पीते नहीं पीती है, लेकिन पी सकती है, मैं सकती है बोल रहा हूँ। तो आप अफवाहें भी उस समय होती हैं, उस समय जादू टोना भी होता है और तांत्रिक गतिविधियां भी होती हैं सर। तो इंफॉर्मेशन या अफवाहों से या वार्निंग सिस्टम कैसे मेंटेन किया जाए पुलिस के द्वारा? जी मैम, वार्निंग सिस्टम इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचानी है कि यहाँ सुनो फाड़ हो रहा है या फ्लड आया हुआ है, यहाँ पे आना नहीं है, अलार्म आपने चीजें करनी है और आपने इसके अलावा मार्च पास करना है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लोगों को करना है। कैसे कर सकते हैं? मीडिया में यूज करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्पीकर से अनाउंसमेंट्स करेंगे, और सर एक चीज बची रही बस, आज के टाइम में इंटरनेट बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर पाइए, इंटरनेट बंद कर देते हो। जब भी कोई डिजास्टर आता है ना, इंटरनेट सबसे पहले बंद होता है किसी की। यहाँ तो ऐसे अपराधी है उनकी वो पेशी में वो आ रहे हैं ना, तो भी नेट बंद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कैसे पास करोगे? पब्लिक को इकट्ठा करके उनके सामने जाकर पब्लिक ग्रुप बनाएंगे और उनसे हेल्प लेंगे, इसको बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता, पीपीटी, पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन, P3 बोलते हैं इसको, पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन। डिजास्टर में इस तरह काम करेंगे। क्या उस समय क्राइम रेट बढ़ जाता होगा डिजास्टर में? नहीं बढ़ता होगा, क्या क्राइम डिजास्टर में होते होंगे? ओके okay, और बताइए और क्या होता है डिजास्टर में, क्या क्राइम बढ़ते हैं, लूटपाट होती है, ओके थेफ्ट होते हैं, और बताइए क्या होता है, क्या क्राइम बढ़ते हैं उस समय? छेड़छाड़ हो सकती है, रेप भी होते हैं। प्लीज आप फोन को छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, मैं तो पूर्ण प्रोसेक्टर का बात कर रहे हैं। जी सर, और क्राइम बताइए क्या है? जी वहाँ पे जो साहब जिन्होंने लोगों की बस उंगलियाँ काट के उंगलियाँ निकाल ली,
चोरी या चोरी में आने के लिए डिजास्टर में डेड बॉडी जो है ना, डेड बॉडी वो बड़े कमाल की चीज है। अमूमन ये माना जाता है इस समय जो ह्यूमन बॉडी है ना उसकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। आप किसी आदमी को बॉडी देंगे ना तो मेरे पास एक बॉडी ले लो 1.5 करोड़ ले लो, उसकी जो लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, आईज है, हर चीज को हम लोग आज रिप्लेस कर रहे हैं। और उस समय डिजास्टर में जो लोग मरते हैं ना, मरते हैं तो डेड बॉडी बहुत बड़ा क्राइम होती है। तो आप अगर डिजास्टर में हो तो डेड बॉडी कब्जे में लीजिए। और पहचान के लिए अब हम क्या करते हैं, उनके प्रति देखो मैं तो ये मानता हूँ कि डिजास्टर में जो पुलिस स्टेशन आ जाए रिलीफ सेंटर, पुलिस स्टेशन को रिलीफ सेंटर बना दो। कोई गुम हो गया ना पुलिस स्टेशन पे आ रहा है, जब गुम हुआ वो भी स्टेशन पे आएगा, ठीक है ना, तो वहां मिलन हो जाएगा। सवाल ये है कि जब सामान्य परिस्थितियों में हमारी भूमि कुछ भी हो, हम लोग गुम हो रहे हैं, डेड बॉडी है, उनके संस्कार हो रहे हैं, परिवार से बिछड़ रहे हैं, उस स्थिति में हम ये बात कह के कि उस समय ये हुआ था, थोड़ा सा उसका ना हो, हर बात थोड़ी लागू होती है। सर जो ये कोरोना जी सर कोविड आ रहा जी सर, हेलो भाई सर कोविड आ रहा जी, तो काफी हॉस्पिटलों ने नेट रोटी दी थी सर जी, तो ये सुनने में आगे भी सुनाई वो बड़ा बहुत बहुत सर कुछ भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन रोल ऑफ पुलिस का मतलब ये है कि हम अपने पुलिस स्टेशन को एक रिलीफ सेंटर बना रहे हैं डिजास्टर, जो बच्चा भटक गया वो हमारे पास आ जाए, उसके पेरेंट्स भी वहां पर आए, रिलीफ सेंटर हो, क्राइम रेट कम करें, डेड बॉडी का संस्कार करें। मैं अभी भी दिल्ली में था, एक प्रोजेक्ट कर रहा था, दिल्ली वालों ने दिखाया कि हमने बहुत सारे डेड बॉडी की फोटो खींच के ना अखबार में डाला हुआ है, विज्ञापन दे रखा है। शायद आप ऐसा ही करते होंगे, कोई कोई पहचान ले उसको, हां जी, और कुछ टाइम के बाद उसका फिर वो संस्कार कर देते हैं। ये मेरे ख्याल जब डिजास्टर नाम उस समय अडॉप्ट, सवाल सिर्फ ये है कि उस समय जब सारा समाज डिजास्टर से बचने का प्रयास कर रहा है, कोई लूटने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी चीज लूट रहा है, कोई काट काट के गुड़िया है, काम काट के गहने निकाल रहा है, उस समय अगर हम आस पास हो तो अपने घोड़े को सख्त बनाए। और डिजास्टर में मैं डिजास्टर क्या, मैं इस राष्ट्र में रहते हुए सबसे अधिक सम्मान आप लोगों को करता हूँ, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो इस समाज को सही रखते हैं। अगर आप लोग ना हो ना, जहां कैमरे नहीं होते ना वहां लोग हेलमेट नहीं पहनते, आप फिलहाल में कैमरे लगे हैं तो लोग थोड़ा सा, बाकी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। आप फ्लड्स है, फ्लड आइए एक्सरसाइज करते हैं, अपने हाथ बाहर निकालिए, उनके हाथ पे हाथ रखिए, आपको क्लैपिंग करनी है, बस क्लैपिंग का नाम है रेन क्लैपिंग। क्या जब मैं एक हूं आपने एक उंगली मार दी है, आप जब दो हूं दो मार दी है, जब तीन को तीन और जब चार को चार मारेगा, एनर्जी अभी चाय नहीं है ना, एनर्जी आनी चाहिए। फसलें खराब होंगी, बीमारियां फैलेंगी,
खाने पीने की वस्तु कमी हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी और जीवन को एनवायरमेंट सारा खराब हो जाएगा जी, और जन हानि हो सकती है, और धन की हानि हो सकती है, और बीमारियां फैल सकती हैं जी, और महामारी फैल सकती है, बाद में महामारी महामारी बीमारी और महामारी दोनों में फर्क है, ठीक है, बुखार एक बीमारी है, कोविड एक महामारी है, महामारी फैल सकती है, और कुछ और बताइए ना, पीने के पानी की समस्या हो सकती है, पीने के पानी की समस्या होगी, भोजन की समस्या होगी, और इसका ट्रेंड क्या होगा बाद में, वातावरण दूषित होगा, क्या बाजार में काला बाजारी होगी, क्या महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ओके, तो हम रिकवरी क्या कर सकते हैं, हम काम क्या कर सकते हैं फ्लड में, क्या काम कर सकते हैं फ्लड में, हमें रिकवरी में भेज दिया गया, अब ऐसे कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से काम है, एक यूनिफॉर्म बैंड वाइज सर्विस के रूप में आप करेंगे, आप खड़े हो सर, आप डेस्क पे आए, आइए सर, पहले आप मुस्कुराए, आपको अभी डिप्यूट कर दिया गया है फ्लड एरिया में, और बताइए आप क्या करेंगे, साहस को बताइए क्या करेंगे, क्या हुआ सर, फ्लड एरिया में आपकी ड्यूटी लगी है सर, आपको भेज दिया भाई आपके पास ये एरिया है, आप क्या करेंगे वहां जाकर, अपना काम कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या सावधानी बरतेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेंगे सर, एज ए पुलिस को के नाते या एसडीआरएफ के नाते, एज ए पुलिस पुलिस एम्प्लॉय, आई तो हम इवन में इसको सुनाने से सबसे पहले लार्ड ऑर्डर करेंगे, ठीक है, पहला काम हमारा है जी जी, और जो ट्रैफिक आ रहा है साइड में उसको पीछे से ही घुमा देंगे, ठीक है, ट्रैफिक के रूट डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देंगे, ओके ओके डन, हां जी, और फिर एसडीआरएफ को बुलाएंगे जी, वो उनको बाहर निकाल लेंगे, जो बच्चे जो लोग बूढ़े लोग उसमें होंगे उनको बाहर निकाल लेंगे, एसडीआरएफ इन्होंने वर्ड यूज किया है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, वो आएंगे पूरे का काम संभालेंगे जी, और सर और कुछ और सर, तो सर वो एसडीआरएफ अपना काम करेगी सर, हमें लाइन ऑर्डर करना पड़ेगा पुलिस को, कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण रहेगा, हाँ जी मैं इसमें, ओके थैंक यू, चलिए थैंक यू सर, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो डिजास्टर में काम करती है, डिपार्टमेंट फसल अमन एनडीएमए, तो किसी को वो बताएगा एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, आगे आप एजेंसी की बोल, एक संस्था है इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, वो काम करते हैं, एक संस्था और होती है एनआईडीएम कैनेडियन, फुल फॉर्म बताओ मुझे, नेशनल इंस्टीट्यूशन डिजास्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय सारी कमांड अपने हाथ में लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आदेश हैं वो पारित होते हैं, वो सभी राज्यों पे लागू होते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका होती है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है डिजास्टर की, ब्लॉक का होता है ऐसे, पुलिस भी आगे उठाए जाते हैं, ये सारा कुछ एक तरफ और पुलिस एक तरफ, क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, लोग घूम रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, महत्वपूर्ण नियम है, लॉ है, जो लागू कौन करवा रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, हालांकि फोर्स जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स साथ में सहायता करती है, लेकिन जब आप डिजास्टर में काम करते हैं क्या आपके शब्दों का अर्थ होता है, कुछ क्या अर्थ होता है शब्दों का, डिजास्टर में जो आपकी कोई शब्द बोलेंगे आप वो जिंदगी बदल रहे हैं किसी की, क्या इस बात से आप सहमत हैं,
कैसे, मुझे एग्जाम्पल चाहिए सर। आप डिजास्टर में हो, किसी के बेटे की डेथ हो गई है, उसके फादर की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कैसे बातचीत करेंगे सर? सहानुभूति पूर्वक। आप सहानुभूति को दिखा सकते हैं? एक्शन से, इमोशन से। एक्शन से, इमोशन, थॉट। थॉट आपके पास आया, उसमें टी वर्ड है, टी टी ई ए, थॉट सहानुभूति का आया। आपके अंदर इमोशन, वैसे आपने अपनी भावनाएं की और फिर वैसे ही एक्शन किया। इस तरीके से आप काम करेंगे और कुछ शब्द लिखे अपने कॉपी में, राइट डाउन द वर्ड्स का बोल रहा हूं। आपका घर, अपना घर, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, गुड हेल्थ, हॉबी, फैमिली, जॉब, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये सब सभी शब्द आपके पास है। इसमें आपको उनको सिर्फ लगाना है, एक दो तीन चार। पहले आप इसे रखना चाहेंगे, सबसे पहले मैं जिसके पास आप लोग मुझे बताएगा कि सर पहले मैं इस शब्द को रखना चाहूंगा। जी मैम, खड़े फैमिली, आप लोग सहमत हैं इससे? नहीं नहीं जी जी। पहले गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, फैमिली ठीक ठाक होगी तो गुड हेल्थ भी होगी। अगर फैमिली अच्छी हो, अपना अपन रह जाए, अपने साथे वो कोऑपरेट करते हैं, फिर डॉक्टर के भी वही लेके जाते हैं। मैं वो उसका आपको अच्छे मिले हो आप दे दीजिए तो। जी सर, फैमिली, अब सारे फैमिली बोलेंगे जी। गुड हेल्थ सर, गुड हेल्थ, ओके। और कोई गुड हेल्थ नंबर रखते हैं फिर सब? सारे सहमत है सर? आप सहमत है? गुड हेल्थ, गुड हेल्थ सर, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ सर, गुड हेल्थ आपके पास। और आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप शाम को दो दिन पैक लगा दें, क्या फायदा? गुड हेल्थ आपके पास है, एजुकेशन नहीं है, और आप शाम को पी रहे हैं, एजुकेशन काम में डालेंगे ड्रिंक, वो तो सर पीते हैं यार, पढ़ भी लेता है। एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, पहले क्या है? उससे तो चला है सारा काम, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, जो ठीक स्वस्थ रहे ऐसा होता है, पढ़ेगा ही क्या? तो बैंक बैलेंस, जॉब, कोई बैंक जॉब नहीं है आपका? ये तो बाहर में आते हैं, मैंने कहा तो बहुत बार है। तो नंबर एक, नंबर एक क्या है? नंबर एक गुड हेल्थ, नंबर दो फैमिली, नंबर दो लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर फैमिली की बात होगी। क्या लग रहा है आपकी शादी हो गई है? शादी के बाद फिर भी कुछ आप मान ले जो लाइफ पार्टनर जी, जो होगा सर नंबर दो, जो एक्सपीरियंस भी होगा सर, और गुड हेल्थ भी, सारे सब कुछ, फैमिली भी सब कुछ हो जाएगा सर। जॉब है नंबर दो सर, कह रहे जॉब है, एक नंबर पे जी, नहीं दो नंबर पे, एमबीए दो पे, फैमिली तीन पे, जो अगर गुड हेल्थ किया ना नंबर एक, नंबर दो सर कह रहे हैं जॉब, कोई कह रहा है फैमिली, जॉब कहां से मिलेगी तो वो भी नहीं चला जाएगी, फैमिली का भी इतना पढ़ने भेजे उन्हें खाने दे दो कुछ जॉब भी रह जाएगी जी सर, फैमिली या जॉब जो भी जरूरी है, अगली तो बात की जरूरी तो सही है, फैमिली बात की बात, जो भाई तो सर अगर जो हो तो शादी हो गई, शादी क्यों की वो कब आई सर? गुड हेल्थ के फैमिली के गुड हेल्थ, गुड हेल्थ लंबा तगड़ा सेम का है, गुड हेल्थ है, फिर जो मिल गई, जो मिली तो शादी होगी, फैमिली को भी मिलेगा ना, जब एजुकेशन होगी भाई, जब तो कहां से आ जाएगा जवाब, एजुकेशन ना क्या रखूं, एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ना जी,
नंबर तीन नंबर तीन हॉबी अपना घर भी होना चाहिए अपना घर होना चाहिए नंबर तीन बैंक बैलेंस तो कोई ऑप्शन नहीं है जी वो आप खड़े हो तो क्या रखेंगे आप बैंक बैलेंस क्या रखेंगे छोड़ दीजिए दूसरे नंबर पे जी तीसरे नंबर पे तीसरे पे जी तीसरे पे जी अपना पहले भी तो क्या सर बुरा इंसान दूसरे फैमिली होगी जी पैसे तो तीसरे पे अपनी लाइफ पार्टनर ही लाइफ पार्टनर ही आएगी पैसे से पहले तो भाई जी आपकी राय क्या ये काम अगर उसकी मतलब घर परिवार में रिश्तेदारी में समाज में वर्क प्लेस पर अगर उसकी रिस्पेक्ट गुडविल अच्छी होगी सर उसकी तो आप अपना करने के लिए गया तलाक का केस था काउंसलिंग करना था उसकी पत्नी कहती है आपको पता है मेरा बिल्कुल पागल है मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता कहना बिल्कुल पागल जी 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 बहुत बढ़िया एग्जांपल और जी जी रेड क्रॉस भी है रेड क्रॉस एक एनजीओ है ओके सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस से वर्ल्ड लेवल पे हां इंटरनेशनल लेवल पे है उसके बाद है सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जनता को हम कैसे मोल्ड करें कि वो उस समय सेवा कर सके सेवा बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है पर सेवा का मतलब हम नहीं है हमें लोग क्या कर रहे हैं सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई किसान महासभा है कोई क्लब है कोई एनजीओ है वो काम करे उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं इस बारे में बताया डिजास्टर में रोटरी क्लब रोटी बांट रहा है या चाय बांट रहा है या कपड़े बांट रहा है कपड़े भी चाहिए वहां तो भाई रोटी भी चाहिए पानी की बोतलें भी चाहिए दवाइयां भी चाहिए तो कैसे हम तालमेल करें कैसे उसके साथ रह के इस काम को अंजाम दें जी सर ये डिजास्टर से पहले जैसे उनसे मिले और एक के साथ बातचीत कर सकते हैं आप डिजास्टर से पहले भी लोगों से मिले ऐसे लोगों की सूची बनाए जो आपके डिजास्टर से काम आ सकती है सूची ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और कौन सी हेल्प करेंगे डिजास्टर में बहुत अलग अलग तरह की हेल्प चाहिए डिजास्टर में पीने का पानी है ना मुख्य समस्या ब्लड के टाइम भोजन है दाल रोटी मुख्य समस्या है दवाई है मुख्य समस्या है लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है वो छत पे चढ़ गए हैं भोजन भी देना है उठाना भी है लेके भी जाना है तमाम काम करने हैं तो आपको अपने काम को अंजाम करने के लिए देने के लिए उसको करने के लिए आपको सीबीओ बनाने पड़ेंगे कुछ ऐसे लोग जो आपकी सहायता कर सकें एनडीएमए में आपको बता चुका हूँ प्रधानमंत्री जिसके चेयरपर्सन है नौ अन्य मंत्री होते हैं और फिर वहां से जो अड़ीस लाख लोग होते हैं ऐसे ही स्टेट लेवल पे होता है आप क्या समझते हैं डिजास्टर में हम लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर पाते होंगे उन कारणों पर विचार करते हैं ऐसे क्या कारण रहते होंगे जिन कारण हम लोग जो है लोगों की हेल्प नहीं कर पाते होंगे अफरा तफरी है नहीं अफरा तफरी होती है अफरा तफरी होती है और होते हैं और उसके बारे में ज्ञान नहीं होता कि भाई आगे कैसे जाना है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता हमें और सोर्सेस की कमी है रिसोर्सेज कमी होती है और सर सरकार ने एक ऐप क्लोज किया अभी एक ऐप आई हमारे बीच में अगर कहीं पर लाइट पानी या गैस लीक होगी तो ऐप आपको अलार्म करेगी ऐप आपको सूचना देगी ऐप आपको बता देगी साउंड करेगी वो अलार्म करेगी आपको कहीं गैस लीक हो रही है
और एक्ट ने काम नहीं किया तो क्या होगा? टेक्निकल जो चीजें हैं, टेक्निकल क्या हम विश्वास कर सकते हैं? टेक्निकल चीजें, भोपाल में एक पाइप लीक हो गई, लीक होती नहीं, आपको बस सिलेंडर लीक हो गया, पाइप कमजोर थी, आपने पाइप बदली नहीं, हर 6 महीने में पाइप बदलनी होती है। तो ये जो मशीनी एरर है, मशीन की कमी है, इससे डिजास्टर होता है, इसे कैसे ठीक करें? मिनिमाइज करेंगे रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। ओके, और जैसे प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम पे प्रॉपर चेकअप हो, प्रॉपर मैनेजमेंट तो है, और मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसके प्रभाव को, उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ड्रिल, 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 एक्सरसाइज या ड्रिल, क्या बड़ा बढ़िया, ड्रिल एक्सरसाइज, ड्रिल, ड्रिल, ड्रिल आपके यहाँ होती रहती है, तो मुझे उसके बारे में बताइए, ड्रिल क्या, ड्रिल होती रहती है? जी सर, ड्रिल एक्सरसाइज में सर जैसे जी ड्रिल, ड्रिल एक्सरसाइज अलग करके एक ही है, एक्सरसाइज और ड्रिल। एक्सरसाइज तो ड्रिल में सिखलाई होती है, एक्सरसाइज में उसको काम करते हैं। ना ड्रिल में जैसे आज मैंने पढ़ा किसी पुलिस जो टीम थी उसे फायर सेफ्टी ड्रिल करी, फायर सेफ्टी एक्सरसाइज भी है एक तरह से, घटनाघट जाती है तो उसको कैसे करना है वो दिखा देता है ड्रिल, मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल और मॉक एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल की बात, सीने मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल कैसे एक्यूरेट वर्ड, मॉक ड्रिल, पूरा अभ्यास, पूरा अभ्यास, पूरा अभ्यास, पूरा घटना या डिजास्टर के या आपदा के आने से पहले अभ्यास, तो आपने का प्रैक्टिस ड्रिल चलते रहते हैं आपके यहाँ या नहीं? नहीं सर, बताएंगे इसके डिजास्टर के बारे में, पुलिस में नहीं होता सर, एक अलग से एसडीआर अपना क्या सर के नामे को बनते रहते हैं सर। ओके ओके, चलिए तो सुनते हैं, विचारों को रोकते हैं, और आप इतना अच्छा सीख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उसे क्लियर कर देना, अपने लिए कहते हो के हस के मिलो गले दो घड़ी के मत जियो सिर्फ अपने खुशी के। और आपको 2 मिनट अपने पार्टनर से, जो पार्टनर आपको मिला है सर, आप आगे आ जाए, जो अकेला होगा डांस करेगा, सॉन्ग चलेगा, अभी अकेला कोई है तो डांस करेगा। सर आप हैं, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा आपको? अच्छा अच्छा ओके, अब ठीक 5 मिनट के बाद आपको बोलना है, और बोलना क्या है, अपने आपका जो पार्टनर है उसकी 3 अच्छी बातें बतानी है मुझे, और वो आपकी 3 अच्छी बातें बताएगा, या बुरा कर दे या अच्छा कर दे, क्या अच्छा लगता है? ओके, किसी का फोन आया बार बार, चलिए तो आप 5 मिनट बात कर लीजिए, आपसे बात कीजिए, उसका नाम पूछिए, कहा है, अच्छी क्या है, उसने तुम्हें बताएगा कितनी अच्छी बात है, बात कीजिए आपसे, बात कीजिए। बढ़िया बढ़िया, और देखने में अच्छा लगता है,
हेड्स ऑफ जी सर आप तो खड़े हो जी सर ये मेरा साथ ये जो जी हंसता रहता है हंसता है और रोजाना अपने घर जाना चाहता है अच्छा और तीसरी बात ये जिसकी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है कोमल बात है कोमल जी आप सर के बारे में बताइए सर आप घर में थोड़ी है सर बाहर बोलिए चलिए आप दोनों खड़े जी अब मैं आपके बारे में बताइए सुंदर है बहुत ठीक है हवलदार है फैमिली से प्यार करती है इतने जेंट्स बैठे हैं उसके बीच में कई जवाब उन्होंने दिए अकेले गुड गुड सही बात चलिए नवाब बताइए के बारे में सचिन फरीदाबाद से हैं इनके दो सुंदर सुंदर बच्चे हैं इनका लड़का थिएटर करता है और लड़की एलएमए करती है गुड 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 देखो मैम ने ना फैमिली को ऐड किया आप तो फैमिली ऐड नहीं करते उन्होंने फैमिली के बारे में बताया जी सर आप बताइए आप दोनों खड़े हमें ना बात करने में दिक्कत रहती है जी सर एक बोलने पहले सुने प्लीज सर ड्यूटी का पंक्चुअल है और वो अच्छी तरह टाइम देता है ओके स्वास्थ्य की तरफ अच्छा ध्यान रखता है अपनी हेल्थ दिख रही है हेल्थ दिख रही है सर आप बताइए ये अच्छे बोलते हैं अच्छी वर्दी पहनते हैं अच्छा और कुछ लास्ट वन जी सर दोनों आप वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है सर की सर अच्छी बात कर लेते हैं डिजास्टर में बात करना भी कला है बात करके आप किसी आदमी को ऊर्जा दे सकते हो जिंदगी दे सकते हो मौत दे सकते हो आदमी ने फोन किया कि आपके बेटे एक्सीडेंट हो गया और मां की डेथ हो गई क्या हुआ होगा बात नहीं करनी आई उसको बात नहीं करनी आई ओके ओके बात करने का ढंग और हंसमुख दो ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आई आपके बात करने का ढंग डिजास्टर में जो व्यक्ति घायल है उसको प्रभावित करता है उस व्यक्ति को आपकी वर्दी से आपकी स्टार से आपकी पोज से आपकी रैंक से कोई मतलब नहीं है उसको भोजन चाहिए उसको अच्छे शब्द चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को खो चुका है उससे आप बात करने का मौका मिलेगा तो आपके शब्दों में आपकी जो बातचीत है ना वो गजब की होनी चाहिए उसमें ऊर्जा होनी चाहिए उसमें जिंदगी होनी चाहिए सोचे कोई बात नहीं गया ऐसा उसको देना है ऐसी रज देनी है उसको अगर डिजास्टर में अपनी फैमिली को एक आदमी डाल रखी डिजास्टर में उसको समझाओ तेरी बॉडी 90% सही है मतलब बातचीत जो है ना बातचीत वो एक महत्वपूर्ण